नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर देशों में जाने के लिए उस देश की सरकार से परमिशन लेना होता है और वहां के सरकार को टैक्स के तौर पे कुछ पैसा देना होता है, जिसे वीजा कहा जाता है। लेकिन दुनिया में ऐसा कई देश मौजूद है जहां भारतीयों को जाने के लिए पैसा नहीं देना होता है और हर एक भारतीय इन देशों में फ्री में जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं दुनिया के कुछ ऐसे देश के बारे में जहां भारतीय फ्री में जा सकते हैं। इनमें पहले नंबर पे आता है भारत के उत्तर में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत देश नेपाल का नाम। दोस्तों, नेपाल जाने के लिए भारतीय को वीजा तो दूर की बात है, पासपोर्ट तक नहीं लगता। यहाँ पे जाने के लिए सिर्फ एक इंडियन परिचय पत्र होना जरूरी है। दूसरे नंबर पे आता है भारत के उत्तर में नेपाल के पास में स्थित एक देश भूटान। भूटान जाने के लिए हर भारतीय को पासपोर्ट की जरूरत है, लेकिन वीजा लेना नहीं पड़ता और यहाँ पे आप फ्री में जा सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित बहुत ही एक खास देश इंडोनेशिया। इंडोनेशिया टूरिज्म के लिए बहुत ही एक प्रसिद्ध देश माना जाता है और यहाँ की संस्कृति पूरे दुनिया के लोगों को काफ़ी आकर्षित करती है। भारतीय इंडोनेशिया बिना वीजा के जा सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ 30 दिनों के लिए अवेलेबल है, जो कि टूरिज्म पर्पस से होना चाहिए। चौथा देश है प्रशांत क्षेत्र में स्थित एक छोटा सा देश फिजी। फिजी एक ऐसा देश है जो टूरिज्म के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है और यहाँ पे भारतीय की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पे हिंदी भी काफ़ी बोली जाती है। पांचवा देश है भारत के दक्षिण में स्थित मालदीव। दोस्तों, मालदीव को एशिया के सबसे खूबसूरत देशों में एक माना जाता है। मालदीव यहाँ की सुंदरता और टूरिज्म के लिए पूरे दुनिया में चर्चित है और भारत से काफ़ी सारे लोग मालदीव में छुट्टियाँ कटाने जाते हैं, लेकिन बिना वीजा के आप सिर्फ 3 महीने तक ही रह सकते हैं। छठा देश है मिडिल ईस्ट में स्थित एक छोटा सा देश फलस्तीन। दोस्तों, फलस्तीन अपने संस्कृति, धार्मिक स्थल और इतिहास के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। भारतीय बिना वीजा के फलस्तीन में जा सकते हैं, लेकिन समुद्री रास्ते से गाजा में जाना अलाउड नहीं है। दोस्तों, सातवां देश है दक्षिण अमेरिका में स्थित इक्वेडोर। इक्वेडोर को दक्षिण अमेरिका के महत्वपूर्ण देशों में एक माना जाता है। इक्वेडोर में भारतीय 90 दिन तक बिना वीजा के जा सकते हैं। हालांकि इस देश में भारतीय बहुत ही कम जाते हैं। इसके बाद आता है भारत के दक्षिण में स्थित श्रीलंका का नाम। श्रीलंका जाने के लिए भारतीय को वीजा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस देश में जाने के लिए स्पेशल परमिट की ज़रूरत होती है। दोस्तों, इसके बाद आता है टर्की के पास में स्थित यूरोप का एक छोटा सा देश साइप्रस का नाम। लेकिन भारतीय बिना वीजा के सिर्फ साइप्रस के उत्तरी भाग में जा सकते हैं, जो टर्की के द्वारा नियंत्रित है, और यहाँ पे आप 90 दिन तक बिना वीजा के रह सकते हैं। दोस्तों, आप अगर इन देशों के बारे में और भी ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे हर एक देश का लिंक दिया गया है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा नहीं लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं क्यों अच्छा नहीं लगा।